अक्षय कुमार की पृथ्वीराज चौहान लगभग फाइनल हो गई है और यहाँ तकरीबन फिल्म की स्टार कास्ट भी फाइनल हो चुकी है। दोस्तों यहाँ इस फिल्म में आपको मोहम्मद गोरी का किरदार मानव बीज निभाते दिखेंगे, जहाँ इस फिल्म के विलन के लिए पहले संजय दत्त का नाम सामने आ रहा था, लेकिन यह बताया जा रहा है कि फिल्म में मोहम्मद गोरी के किरदार के लिए मानव बीज को चुन लिया गया है। और वहीं इस फिल्म में आपको राजकुमार सहयोगिता के किरदार में दिखेगी मानुषी चिल्लर, जो कि इस फिल्म में आपको कन्नौज की राजकुमारी के रूप में दिखेगी। मैं इस आपको बता दी कि पृथ्वीराज की कहानी पृथ्वीराज के दरबार के कवि चंद्रवरदाई ने उनके उपन्यास में लिखी थी और इसी के ऊपर फिल्म बनाई जाएगी। सत्यस्थियों इतिहास की माने तो पृथ्वीराज चौहान की चार पत्नियां थी, लेकिन फिल्म में आपको पृथ्वीराज की केवल दो ही पत्नियां ही दिखाई जाएगी, जिसमें से सहयोगिता उनकी पहली पत्नी के रूप में दिखाई जाएगी और दूसरी पत्नी का किरदार के लिए टीवी की किसी एक्ट्रेस को चुना जाएगा, जिनके फिल्म में केवल चार से पाँच ही सीन होंगे। वहीं आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार को स्पेशल ट्रेनिंग भी लेनी होगी और अक्षय कुमार को अपने आप में काफी सारे फिजिकल चेंजेस करने होंगे। यहाँ पर अक्षय को पृथ्वीराज की फिजिक कॉपी करनी होगी। हालांकि अक्षय कुमार की लंबाई पृथ्वीराज चौहान से काफी लंबी है, लेकिन वही दूसरी तरफ पृथ्वीराज का वजन काफी ज्यादा था, तो इसमें अक्षय कुमार को भी अपना वजन बढ़ाना होगा। और वहीं अक्षय कुमार को अपने बाइसेप और चेस्ट पर काफी काम करना होगा। और वहीं इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार को धनुष बाण और तलवारबाजी सीखनी होगी, क्योंकि माना जाता है कि पृथ्वीराज के पास 38 इंच की तलवार हुआ करती थी, तो इसे में अक्षय कुमार को इसे स्पेशली सीखना होगा। और वहीं इस फिल्म में अक्षय कुमार की लुक की बात करें तो फिल्म में आपको अक्षय कुमार लंबे बाल और लंबी मूछें रखते दिखेंगे। हालांकि इसके लिए विग इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस फिल्म के लिए ऐसा नहीं किया जाएगा। फिल्म के लिए अक्षय कुमार रियल में लंबे बाल और मूछें रखेंगे। साथ ही इस फिल्म में अक्षय कुमार आपको बड़ी बड़ी बालियां पहनते दिखेंगे। और इस फिल्म के लिए भी आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग अप्रैल मार्च से शुरू कर दी जाएगी, जिसे कि उत्तर भारत के रियल लोकेशन पर शूट किया जाएगा। साथ ही इस फिल्म के डायरेक्टर होंगे डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी और ये फिल्म बनाई जाएगी यशराज फिल्म के बैनर में। तो इसमें ये फिल्म काफी बड़ी होगी और ये एक मेगा हाई बजट मूवी होगी, जिसे कि बताया जा रहा है इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी पीरियड ड्रामा फिल्म। तो यह काफी बड़ी फिल्म होगी पृथ्वीराज चौहान, और इसके लिए अक्षय कुमार को एक लंबा वक्त भी देना होगा और इस फिल्म की शूटिंग भी काफी लंबे वक्त तक होगी। तो यहाँ अक्षय कुमार की सबसे बड़ी फिल्म के रूप में हमें पृथ्वीराज चौहान देखने को मिलेगी। और अक्षय कुमार की सबसे बड़ी फिल्म पृथ्वीराज चौहान के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।